नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का बाजार शास्त्र में। मैं हूं प्रियंका पलानन। कहा जाता है कि सप्लाई और डिमांड सेट्स द स्टॉक प्राइस, यानी सप्लाई और डिमांड की इक्वेशन से ही स्टॉक का प्राइस बनता है। ये क्या होती है सप्लाई और डिमांड, कैसे क्रिएट होती है, या फिर कहें कि शेयर बाजार में कौन खरीद रहा होता है, कौन बेच रहा होता है, कैसे भाव बन रहा होता है, आखिर ये शेयर बाजार काम कैसे कर रहा होता है, सारी उलझने, ये सब इन सभी चीज़ों का, इन सभी उलझनों का समाधान जानने के लिए हमारे एक्सपर्ट सुनील मिगलानी हमारे साथ बने हुए हैं। सुनील, बहुत बहुत स्वागत है आपका। टेक्निकल टर्म्स सुनी होंगी व्यूअर्स ने बहुत बार कि सप्लाई कैसे क्रिएट होती है, डिमांड क्रिएट होती है, सप्लाई और डिमांड की इक्वेशन। एक नट शेल में अगर बहुत आम आदमी की आवाज़ में कहें, बिल्कुल सिंपल शब्दों में कहें, तो यहाँ कौन खरीद रहा होता है, कौन बेच रहा होता है, कैसे काम कर रही होती है शेयर बाजार? देखिए, आपने वर्ड यूज़ किया शेयर बाजार, तो जब हम बाज़ार बोलते हैं तो वो एक बाज़ार है। उस बाज़ार में बहुत सारी दुकानें हैं, कुछ दुकानें अच्छी हैं, कुछ व्यापारी अच्छे हैं और कुछ व्यापारी अच्छे नहीं हैं जी। इस बाज़ार में भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं, कुछ अच्छे हैं, अच्छे का मतलब फंडामेंटल, जिनके पीछे कुछ है, कुछ ऐसे ही हैं। जैसे एक बाज़ार होता है, उसमें हर तरह के लोग होते हैं, अच्छे व्यापारी, बुरे व्यापारी, छोटा दुकानदार, बड़ा दुकानदार, ऐसे ही इस बाज़ार में भी है। इस बाज़ार के अंदर मैं पहले एक स्टोरी सुनाता हूँ आपको, उसके बाद हम इस पर अपना बात करेंगे, उससे ज़्यादा समझ में आएगा। एक्चुअली एक बार एक गांव के अंदर एक शहर से एक आदमी आया। उस आदमी ने गांव वालों को बोला कि ऐसा है, मैं शहर से आया हूँ और मेरे को कुछ मंकीज चाहिए, बंदर जी, वो चाहिए मुझे, तो आप मुझे अगर बंदर ला के देंगे तो मैं आपको पे करूँगा। और उन्होंने बोला ठीक है, हम आपको ला देंगे, कितना पे करेंगे आप? उन्होंने बोला मैं आपको एक बंदर का 10 रुपये दूंगा, 10 रुपीज़। ठीक है। गांव वालों ने बंदर वंदर जो थे उनके पास, अब बंदर किसी काम के तो होते नहीं है, सबको पकड़ के उसको दे दिया। उसने 10 रुपये के हिसाब से सबको पेमेंट कर दिया। ठीक है। अब काफ़ी दिन चलता रहा ये काम। उसने कहा आपके पास जितने बंदर हैं आप मुझे दे दीजिए। उसके 3-4 महीने बाद उसने कहा ऐसा है, मुझे और बंदर चाहिए, मैं अब आपको 20 रुपीज़ देने को तैयार हूँ हर बंदर के, अगर किसी के पास भी है तो आप उसे ले आए। यानी पहले 10 रुपये दे रहे थे, अब 10 के 20 कर दिए। 20 कर दिए। अब वो गांव वालों ने और बंदर जो थे अब जंगल में इधर उधर आसपास से पकड़ पकड़ के, और जो भी बंदर थे पहले अपने पास जो थे वो दे दिए, उसके बाद कहीं बाहर से ला के दे दिए, किसी दोस्त से पूछा, दूसरे गाँव से पूछा, जो भी है जिसके पास दे दो बंदर, ये लेने को तैयार है। एक आदमी 20 रुपये के ले लिए, उसने सबको पेमेंट कर दिया। उसके बाद उस आदमी ने 2-3 महीने बाद बोला अब मैं हर बंदर के 40 रुपये देने को तैयार हूँ, जिसके पास भी हो बंदर वो दे दे, मेरे बहुत काम किया है, मुझे बहुत ज़रूरत है बंदरों की। अब गांव वालों को लगा बंदर की किसी को क्या ज़रूरत हो सकती है, लेकिन ठीक है, लेकिन अभी ठीक है, सामने वाला पैसे देने को तैयार है तो हमको क्यों दिमाग लगाना है। उन्होंने अपना और जंगल में और आगे गए, जंगल में डीप थोड़ा अंदर गए, वहाँ से और बंदर वंदर पकड़ के लाए, उनको काम मिल गया। गाँव वाले 4 गुना दाम मिल रहा है, तो उन्होंने कहा कि कहीं से भी लाना पड़े बस ले आओ। ले आओ। गाँव वालों के पास वैसे कोई काम धाम तो था नहीं, उन्होंने कहा चलो यही बिक रहे हैं, बंदर बेचते रहो। बंदर बेचते रहे धीरे धीरे, 6-7 महीने साल हो गया, तो उस गांव में ना एक बंदर व्यापार का वो बन गया तरीका जी, के ले भी रहे हैं बेच भी रहे हैं, आपस में भी लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपस में भी ट्रेडिंग कर रहे हैं लोग, कि तेरे पास 5 बंदर है तो मुझे दे दे, तेरे पास 6 बंदर है तो मुझे दे दे, तेरे पास 20 है, ये ले ले, ये पैसे ले ले या फिर कुछ और ले ले, ट्रेडिंग शुरू हो गया बंदर का आपस में ही लोगों के। ठीक है। उसके बाद उस आदमी ने एक दिन कहा कि मुझे और बंदर चाहिए, मैं शहर से आया हूँ और हम इन शहरों के अंदर जाके इन बंदरों के बालों से कोई दवाई बनाने वाले हैं, बहुत ज़्यादा हमें चाहिए बंदर और भी चाहिए। स्टोरी क्रिएट एक हुई पूरी। ठीक है। एक यूफोरी, मतलब अब रीज़न भी बता रहा है वो कि क्यों चाहिए, क्यों चाहिए मुझे, कि इसके अंदर ना हम इसके बालों से खास तरह का दवाई बनेगा जिससे ये इलाज होता है, वो इलाज होता है, हमें बहुत क्वान्टिटी में चाहिए, जिस पर बंदरों वो ले आए। अब रेट तब तक 60 रुपये पहुंच चुका, 80 रुपये पहुंच चुका रेट, भाई डिमांड आ रही है, डिमांड नहीं है। धीरे धीरे क्या हुआ, सप्लाई ड्राई होना शुरू हो गया। अभी बंदर है वो हर जगह थोड़ी मिलेंगे, जितने थे गांव वालों ने ला के दे दी, अब किसी के पास बंदर नहीं, और वो आदमी और डिमांड कर रहा है बंदर लाओ लाओ बंदर, लेकिन बंदर नहीं। एक दिन उस आदमी ने अनाउंसमेंट किया, ठीक है ऐसा है मैं जा रहा हूँ शहर और मैं 1-1.5 महीने बाद वापस आऊँगा, जिसके पास भी बंदर हों मुझे और दे देना, मुझे बहुत, जितने मैं अब तक ले चुका हूँ मुझे उतने ही बंदर और चाहिए जी। मैं 200 रुपये एक बंदर के देने को तैयार हूँ, 200 रुपीज़। 10 रुपये से शुरुआत हुई थी और अब 200 रुपये तक पहुँच गई। 200 रुपये एक बंदर के देने को तैयार हूँ, जिसके पास भी हो बंदर वो मुझे दे दे। अब बंदर का रेट फिक्स हो गया 200 रुपीज़। जिसके पास थे बंदर उसको लग गया कि हाँ मैं इतने, जिस पर 100 बंदर है उसने हिसाब लगा लिया कि मैं 20,000 का मालिक हो गया। ऐसे सब लोगों ने अपना कि मैं इतने बंदर, अब वो आदमी चला गया शहर। तो
डेढ़ दो महीने का टाइम पड़ गया। इन बिटवीन गांव में दो तीन चार लोग और बाहर से घूमने फिरने के लिए आए। गांव वाले आपस में जैसे बात हो रही होती है, बंदर चाहिए बंदर चाहिए, बंदर देने हैं बंदर देने हैं, ट्रेडिंग हो रही बंदरों की। पूरा पूरा गांव ही लग गया सिर्फ बंदर इकट्ठा करने में। वो आदमी जो थे, दो तीन आदमी, उन्होंने बात सुनी, उन्होंने कहा बंदर आप लोगों को चाहिए? उन्होंने कहा हाँ हमें बहुत ज़रूरी बंदर चाहिए। ठीक है हमारे पास कुछ है हम आपको दे देते हैं। गाँव ने कहा दे दो। उन्होंने बोला भाव बोलो आप। आप 100 रुपये दे देंगे हम एक बंदर का? गाँव वाले बोले 100 रुपये दे देंगे। उनको पता 200 में आगे बिक रहे हैं मेरे जी, 100 में दे देंगे। देखा ठीक है हम दे देंगे आपको 100 रुपये का बंदर। उन्होंने 100-100 रुपये के बंदर उनको बेच दिए। गाँव वालों ने अपना सारा सोना जमीन जदाद बेच बांट के, जो भी पैसे वैसे थे जो उनसे लिए थे खरीदे थे सब बेच बटा के बंदर ही बंदर खरीद, बंदर ले लिए 100-100 रुपये के। अब वो आदमी बेच के, जो दो तीन चार आदमी आए थे वो बेच के अपना सारा सामान चले गए। उस दिन के बाद ना तो वो चार आदमी नजर आए, ना वो जो बंदर जिसने लेने थे वो नजर आया, जो ओरिजिनली खरीदने वाला था ठीक है, और सारे गांव में सिर्फ बंदर ही बंदर थे। तो एक्चुअली क्या कहना चाह रहे हो, मतलब वो गांव वालों को ही बंदर बना गया? बदले इस स्टॉक मार्केट में भी यही होता है, जब स्मार्ट आदमी बाहर निकलता है ना, तो वो जिस चीज को पहले ले रहा होता है उसको पता होता है ये बंदर है, लेकिन उस बंदर का भाव बढ़ाता है। वो उस बंदर को ऐसी जगह पे ले जाता है जहां पर आपको ये बता सके कि इसके बालों से दवाई बनेगी। आप 200 रुपये में देना चाहते हो दे दो, और वो एक्चुअली उसकी आड़ में अपना माल बेचेगा आपको। और फिर जब स्मार्ट आदमी यहाँ से बाहर निकलता है तो उस गांव की तरह स्टॉक मार्केट में भी सारे बंदर ही बंदर होते हैं। सारे बंदर ही बंदर हैं। जितने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं आपके सामने एक्चुअली सारे बंदर हैं। ये बंदर बने हुए हैं एक्चुअली, कोई बना गया इनको बंदर, एक्चुअली लिया इन्होंने भी DLF 1200 में इसलिए था कि 5000 का हो जाएगा, लेकिन ये बंदर बन गए 100 रुपये में आ गया। पुंजलॉयड इन्होंने लिया इसीलिए था कि 500 रुपये का शेयर है 5000 जाएगा, लेकिन बंदर बन गए, वो 40 रुपये का आ गया, एक्चुअली वो बंदर था। तो एक्चुअली यानी यही प्रिंसिपल इस स्टोरी को आपने शुरुआत इसीलिए किया था क्योंकि इस स्टोरी से बहुत क्लियर एग्जांपल मिलता है कि स्टॉक मार्केट में ये होती है बायर और सेलर की इक्वेशन, आर्टिफिशियली डिमांड क्रिएट की जाती है। नहीं, अब मैंने जहां से स्टार्ट किया था हम वहां आते हैं। दो मतलब इस पूरी मार्केट में, बाजार में दो ग्रुप है। एक ग्रुप तो जो फंडामेंटल पे काम करता है। फंडामेंटल मतलब किसी कंपनी के पीछे कुछ है, कुछ बात है उस कंपनी के पीछे, उसकी डिमांड आर्टिफिशियली कई बार क्रिएट होती है छोटे मोटे मूवमेंट्स के ऊपर, लेकिन जनरली उसके पीछे कुछ है, उसके पीछे कोई बेस है। मान लीजिए ITC का एग्जांपल ले लेते हैं हम ITC का एग्जांपल लेते हैं, उसके पीछे कंपनी है, सॉलिड कंपनी जिसका बिजनेस मॉडल अच्छा है, साबुन बनाती है, सिगरेट बनाती है, कंज्यूमर स्टोरी है, उसके अंदर कोई डिमांड कभी खत्म नहीं होने वाली, कंपनी जिंदा रहेगी, उसका स्टॉक का प्राइस 200 रुपये ज्यादा 100 रुपये कम चलता रहेगा, ऐसा नहीं है कंपनी खत्म होगी। लेकिन एक स्टोरी क्या होती है, 2008 में एक कंपनी था एडलैब्स आया, हाँ जी। वो एडलैब्स 300-250-300 रुपये का शेयर था, वो 200-250 रुपये का आई थी। उस शेयर का रेट हो गया 1400, 1500, 1600, 1800। अब जो उसको ले रहा था वो 300 रुपये से ले रहा था, 1400 तक आया, और वहां पर जाके स्टोरी ये बना। ये एक्चुअली रियल है, लोगों को पता होगा जिन लोगों ने 2008 में काम किया, गिविंग लाइव एग्जांपल्स, ये हो चुके हैं लोगों के साथ एडलैब फिल्म्स का। वहां जाके स्टोरी ये आया कि इसके आज इतना स्क्रीन्स है, आज से 3 साल बाद इसका स्क्रीन 10 गुना हो जाएगा, उसमें इतने लोग पिक्चर देखेंगे, इतनी मूवीज लगेंगी, इतना रेवेन्यू आएगा, इतनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, ये कंपनी इतने गुना हो जाएगी, इसलिए आज इसका रेट 1500। और इसी एंटिसिपेशन में लोगों ने उसको भरना शुरू कर दिया, मतलब अभी स्क्रीन बनी नहीं, अभी लोगों ने पिक्चर देखी नहीं, पिक्चर रिलीज हुई नहीं, रेट आज ही हो गया। यानी एंटिसिपेट तो मार्केट में करना चाहिए, लेकिन इतना ज्यादा एंटिसिपेट, वो एक्चुअली बंदर है ना, वो बंदर है, उसको बनाया गया शेर है तो वो बंदर, तो वो बंदर का रेट बढ़ा दिया स्टोरी बना बना के। अब ये एक जो गुट है ना, ये गुट भी इस मार्केट में है और हमें इसके साथ भी काम करना है। देखिए रिटेल इन्वेस्टर जो है ना, वो इजी मनी के चक्कर में ना इस तरह की चीजों में फंस जाता है, वो देखता नहीं है किसी चीज के पीछे ग्राउंड। आज आप मार्केट में भी जब कुछ लेने जाते हैं तो शॉपकीपर आपको बहुत तरह से कन्विंस करने की कोशिश करता है गलत सामान के लिए, लेकिन आप नहीं होते ना, आप आंखें खोलते हैं अपने। इसी तरह से इसमें भी बाजार, ये भी बाजार है, इस बाजार में भी आपको आंखें खोल के देखना है कि जो हमें कन्विंस किया जा रहा है एक्चुअल में उसके पीछे कोई ग्राउंड है। लेकिन एक्चुअली होता क्या है ना सुनील, उस वक्त ग्रीड जैसा इतना बड़ा इमोशन हावी हुआ होता है कि आप रियल कॉज को या फिर एक्चुअल रीजंस को तलाशने की कोशिश नहीं करते, आपको लगता है कि पैसा मिल रहा है, बस इसी 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 लॉ में लगे रहते हैं। लेकिन आपको देखिए ना, अगर ग्रीड का तो फिर अभी हमारी किताबों में भी लिखा है लालच बुरी बला है, लेकिन मानता कौन है। चलिए बिल्कुल, इनफैक्ट एक और एस्पेक्ट है इसी स्टोरी का, इसी बात का, कि अगर
आर्टिफिशियली डिमांड भी अगर क्रिएट होती है, और यानी या फिर कहें कि हर लेवल पर बायर खरीदार, हर लेवल पर खरीदार खड़ा होता है, लेकिन फिर भी क्यों हम देखते हैं कि कई बार स्टॉक के करेक्शन, स्टॉक के मूवमेंट में थोड़ा सा डिप आ जाता है, करेक्शन भी देखने को मिलती है, इस आस्पेक्ट को भी समझेंगे, या फिर थोड़ी सी टेक्निकल टर्म ओवरबॉट और ओवरसोल्ड क्या होता है इसको भी समझेंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द वापस हाजिर होते हैं, कहीं मत जाएगा। हमारा ईमेल एड्रेस लेकिन जरूर नोट कीजिए, bazaarshastra@znetwork.com हमारा ईमेल एड्रेस है अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं। छोटा सा ब्रेक, जल्द वापस हाजिर होंगे। फिर आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं बाजार शास्त्र, और चर्चा यहां पर हम कर रहे हैं कि शेयर बाजार में किस तरह से बायर्स और सेलर्स की इक्वेशन होती है। और इनफैक्ट एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट सुनील की, अगर हर लेवल पर यहां पर बंदरों को खरीदार बैठा हुआ था, अगर इसी तरह से कई बार स्टॉक्स में भी होता है कि हर लेवल पर बाइंग हम देख रहे हैं, स्टॉक का प्राइस ऊपर तो जा रहा है लेकिन बीच बीच में छोटी छोटी डिप्स भी आते हैं, छोटी छोटी करेक्शन भी आती है, ऐसा क्यों होता है? वो डिप इसलिए आती है कि अब देखिए, जैसे वहां पर हमने स्टोरी का बात किया इसलिए छोटी छोटी मूवमेंट की बात नहीं करूंगी, वहां पर भी ऐसा हुआ होगा। एक्चुअली जब भी कोई किसी चीज़ को खरीदार है किसी चीज़ का, तो एक लेवल ऐसा आता है किसी भी जगह कि जो बायर, जो सेलर होते हैं वो माल बेचना रुक जाते हैं। वो एक आदमी कह रहा है 30 में मेरे को दे दो, 40 में मेरे को दे दो, 50 में मेरे को दे दो, 60 में मेरे को दे दो, तो जो बायर बैठे होंगे ना बाहर वो भी रुक जाएंगे कि रेट बढ़ रहा है रुक जाओ, रेट बढ़ रहा है रुक जाओ। जब वो रुकेंगे तो वो जो बायर था एक्चुअली वही सेलर बन जाता है। इसके लिए एक स्टोरी सुनाता हूँ आपको जी, और क्लियर हो जाएगा एक एग्जांपल। एक बार एक ना छोले कुलचे का रेडी लगाने वाला था, वो रेडी लगाया उसने, तो सारे दिन में उसके पास कोई कस्टमर नहीं आया, काफ़ी देर खड़ा रहा वो, बहुत उसने टाइम देखा, सुबह पूरा दिन निकल गया, अगले दिन भी यही हुआ। तो उसका बेटा था छोटा, उसने बोला पापा ऐसा है, ऐसे तो आप सारा दिन खड़े रहोगे कोई आएगा नहीं, मैं एक मेरे पास एक आइडिया है। अब छोटे बच्चे कई बार समझदारी की बात करते हैं, माँ बाप हालांकि मानते नहीं है लेकिन समझदारी की बात करते हैं। उसने बोला मेरे पास एक आइडिया है। ये क्या? तो बोला आप एक काम कीजिए, आप जहाँ पे रेडी लगाते हैं छोले कुलचे की, 3-4 लोग अपने ही खड़े कर दो। okay. जो लेने के लिए खड़े हों, राइट, खाने के लिए, खाने के लिए खड़े हों, डिमांड क्रिएट हो जाए। देखा, देखते हैं आइडिया बना के। उन्होंने क्या किया, जहाँ रेडी लगाया अपने 3-4 लोगों को बुलाया, उनको बोला आप हमारे यहाँ सामने खड़े हो गए ना, आप खाना शुरू करो। जैसे 3-4 लोग खड़े हुए वहाँ भीड़ लग गई, वो 4 लोग हट गए, भीड़ खा रही है अब। फिर जैसे ही वो भीड़ हटी वो 4 लोग फिर आ गए, वो फिर हटे फिर भीड़ आ गई। यानी कि इस मार्केट में भी यही होता है, राइट, आर्टिफिशियली डिमांड आप क्रिएट कर देते हैं। आप जब आप वहां पर क्या है, वो सेलर था, सेलिंग करता जा रहा है, सेलिंग करता जा रहा है, एक लेवल पे ऐसा बायर खत्म हो गए, तो उसने खुद आर्टिफिशियली खुद बायर खड़े कर दिए कि हाँ इस चीज में अभी भी खरीदार है और बायर आ गए, राइट। यहां भी आप मार्केट में देखते हो स्टॉक गिर रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, एक टाइम ऐसा आता है लोग कहते हैं तो गिरता जा रहा है, इसे लेना नहीं है, राइट, इसको लेना नहीं है, गिर रहा है ये, जिसे ओवरसोल्ड भी कहते हैं, ओवरसोल्ड कहते हैं। फिर एकदम से आप देखते हो उसके अंदर एक बाउंस आता है, राइट। वो बाउंस एक्चुअली जब कोई लेनदार नहीं है तो वहां कौन ले रहा है, वहां वही आदमी ले रहा है जो पहले बेच रहा था, राइट। उसको पता है कि अगर अब मैंने यहां नहीं लिया तो ये ऊपर नहीं जाएगा स्टॉक, और जब तक यहाँ बायर नहीं दिखेंगे दूसरे बायर अट्रैक्ट नहीं होंगे एक्चुअली। तो इसलिए हम देखते हैं ऊपर जाती मार्केट में डिप आता है, क्योंकि जो अगर हर रेट पे बायर बैठा है लेने के लिए, तो जो साइडलाइंस में सेलर हैं वो कई बार खड़े हो जाते हैं, वो बेचने नहीं आते, वो बेचने तब आते हैं जब उनको लगता है 60 रुपये रेट गया लेकिन फिर 50 आ गया, तो हो सकता है अब गिर जाए, बेच दो अब तो 50 तो ठीक रेट है, राइट। तो सेलर भी दिखाने पड़ते हैं, आर्टिफिशियली सेलर भी दिखाने पड़ते हैं। ये जो बायर्स और सेलर्स की जो इक्वेशन है ये बहुत हद तक मैनिपुलेटेड होती है, कई जगह पर हम देखेंगे बायर्स को आर्टिफिशियली क्रिएट किया जाता है, कई जगह पर सेलर को आर्टिफिशियली क्रिएट। नहीं, आर्टिफिशियली नहीं बोल सकते हर चीज को, देखिए आर्टिफिशियली नहीं बोल सकते, मैनिपुलेटिव कह सकते हैं, मार्केट का सिस्टम है, मैनिपुलेटिव कह सकते हैं, नहीं मैनिपुलेटिव भी नहीं, मार्केट का सिस्टम है ये एक्चुअली। मार्केट इसी तरीके से काम करता है, जो स्मार्टेस्ट लोग हैं, जो मार्केट के समझदार प्लेयर हैं, वो इसी तरीके से काम करते हैं। और जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला, दो गुट हैं, एक गुट काम करता है अपनी समझ से, स्टॉक आप देखते हैं तभी लोग जो हैं इस तरह के स्टॉक्स में क्यों फंसते हैं, जो बंदर होते हैं एक्चुअली, क्योंकि वो तेजी से ऊपर जा रहे होते हैं, राइट, इसलिए उसे फंस जाते हैं, वो मैनिपुलेटिव है एक्चुअली। आईटीसी देख लीजिए, आप हमने पहले भी बहुत बात किया आईटीसी का,
100 रुपये का स्टॉक अभी पीछे से 300 रुपये आ गया, हल्का हल्का बेबी स्टेप्स चलते हुए ऊपर। वहाँ पे लोगों को ना कोई अट्रैक्शन नहीं दिखती कि यार जब भी देखो 1 रुपये बढ़ता है, कभी 2 रुपये बढ़ता है, लेकिन एक स्टॉक है 10-10 रुपये रोज बढ़ रहा है, 20-20 रुपये, वहाँ पे अट्रैक्शन है। लेकिन उनको ये नहीं पता कि वहाँ पर कोई ना कोई ट्रैपिंग हो रही है, वो बंदर है, उस बंदर का रेट बढ़ाया जा रहा है और बाद में वो साथ कोई बंदर बना के चला जाए। एक स्टॉक और था RNRL, उस स्टॉक के अंदर भी यही था, बैलेंस शीट नहीं कंपनी का, वो एक ट्रेडिंग कंपनी था, रिलायंस का नाम लगाया उसके पीछे, 20-25 रुपये का शेयर 250 रुपये का हो गया, वो 250 रुपये तक शेयर गया और फिर वही बात, राइट, बंदर बन गए लोग वहाँ, लोगों ने लिया और वो स्टॉक नीचे, right. आपको ये देखना है कि ग्राउंड क्या है कंपनी का। स्टोरी कुछ भी बनाई जा सकती है, ये भी कहा जा सकता है कि एक इंटरमीडिएटरी है सप्लाई करने के लिए, गैस सप्लाई तक उसके पावर की, रिलायंस की, लेकिन एक्चुअली जो सेंस ये रहा कि आप उसमें बेकार का ट्रैप हो गए। जब 50 रुपये का 20 रुपये का स्टॉक 400 रुपये जाएगा तो स्टोरियां 20 बनेंगी, इसको यहां से भी गैस मिलेगी, इतनी कमाई होगी, ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन आपको सोचना है कि इसमें सच्चाई कितनी है। जैसे आप बाजार में सामान लेने जाते हैं तो मैंने आपको बोला ना, दुकानदार कन्विंस करेगा आपको, लेकिन आपको चूज करना है कि कौन सी अच्छी चीज है, कौन सी बुरी चीज है, किसे आपको खरीदना और किसे आपको इग्नोर कर देना। बिल्कुल, उम्मीद है हमारे व्यूवर इन छोटे छोटे एग्जांपल्स है, बहुत सिंपल एग्जांपल्स है, इनसे ये इस डीप थॉट को, इस डीप बात को जरूर समझने की कोशिश करेंगे। और इनफैक्ट ऐसा ही कॉन्सेप्ट अगर आप भी किसी कॉन्सेप्ट पर क्लैरिटी चाहते हैं तो यू आर फ्री टू मेल अस ऑन bazaarshastri@znetwork.com, जहां पर हम आपकी सारी क्वेरीज का समाधान करने की कोशिश करेंगे। इनफैक्ट फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक से लौटेंगे, एक व्यूअर से भी बात करेंगे और इस बार बात होगी उनके पोर्टफोलियो से जुड़ी हुई। जी हाँ, जल्द वापस हाजिर होते हैं, कहीं मत जाएगा। स्वागत है, आप देख रहे हैं बाजार शास्त्र और हमारे व्यूअर्स के न्यूमरस मेल्स हमें आती हैं जो जानना चाहते हैं स्टॉक्स पर भी राय। जी हाँ, उनके पोर्टफोलियो में कोई ऐसा स्टॉक या फिर कोई उनका ऐसा पसंदीदा स्टॉक जिस पर और टेक्निकल एनालिसिस चाहते हैं वो सुनील मिकलानी से, यू कैन ऑलवेज मेल अस हमारे बाजार शास्त्र @znetwork.com पर। ऐसे ही एक व्यूअर है कुलवंत सिंह है, जिन्होंने अपना सवाल हम तक भेजा है। कुलवंत जी हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। कुलवंत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। जी हाँ, नमस्कार जी। जी नमस्कार जी, पूछिए जी। हाँ, पिछले मैं 2 हफ्ते से ये प्रोग्राम देखना शुरू किया, इट्स वंडरफुल प्रोग्राम जी, थैंक यू सो मच। टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है मुझे पता तक नहीं था और मैंने कभी इंटरेस्ट भी नहीं लिया था, लेकिन सिर्फ एक एपिसोड देखने पर ही और आपके द्वारा इतने सिंप्लीफाइड तरीके से समझाने पर बहुत अच्छा लगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कुलवंत जी। कुछ ही दिनों में समझ, कुछ ही दिनों में अगले दिनों यूट्यूब पर आपके कई एपिसोड मैंने देख डाले हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल प्रोग्राम है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि टेक्निकल एनालिसिस के लिए चार्ट्स का टाइम होराइजन क्या होना चाहिए, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल या 5 साल? और इसको 2 स्टॉक्स पर आपकी राय जानना चाहूंगा, सन टीवी और सॉपर स्टॉक पर टेक्निकल एनालिसिस। चलिए बिल्कुल, शुक्रिया कुलवंत जी सवाल पूछने के लिए, शो को पसंद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब 2 स्टॉक्स इन्होंने, हालांकि इन्होंने अपने सवाल में और क्लैरिटी, जो अपने सवाल में और जो बातें बोली थी कि उन्होंने अभी खरीद नहीं रखा है सुनील, लेकिन 2 स्टॉक्स सिलेक्ट कर रखे हैं, शॉपर स्टॉप और सन टीवी। अब थोड़ा सा एनालिसिस चाहते हैं कि कौन सा स्टॉक अच्छा होगा, टाइम होराइजन भी इन्होंने अपनी ऐड कर दी, अगर यानी हम मान लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट का व्यू है इनका। देखिए मैं चार्ट पर दिखाऊं जी, बिल्कुल देखिए, शॉपर स्टॉप इन्होंने दोनों स्टॉक जो चॉइस किए हैं, एक्चुअली दोनों स्टॉक ही ठीक हैं, लेकिन अभी दोनों स्टॉक्स में थोड़ा सा थकान नजर आ रहा है। ओके, ये शॉपर स्टॉप का चार्ट है, ये वीकली चार्ट है आप जैसे देख रहे हैं इसमें, तो इसमें हमें इस एरिया में थोड़ा सा थकान नजर आ रहा है, और ये उसका डेली चार्ट है, अभी ये 200-day एवरेज के नीचे आ चुका है अभी 2-3 दिन पहले। तो अगर ये लेना चाहते हैं स्टॉक को, तो हमारा मानना ये है जब तक ये स्टॉक 435 रुपये के ऊपर नहीं जाता तब तक इसके अंदर बाइंग का नहीं सोचना चाहिए, और अगर किसी भी वजह से ये स्टॉक इनको नीचे की तरफ 300 रुपये के आसपास मिलता है, अभी 380-385 का रेट है, काफ़ी दूर है 300, लेकिन ये चार्ट बोल रहा है कि वो अब भी रेट आ सकते हैं शायद, ठीक है, तो 300 रुपये के आसपास अगर आता है वो स्टॉक तो इनको लेना चाहिए, या एक बार 435 रुपये के ऊपर जाता है तो लेना चाहिए। चलिए ठीक है, यानी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अभी नहीं ले सकते, आपके लिए प्रेफरेबल लेवल्स दिए हैं कि 300 के आसपास होगा तब खरीदें या फिर 435 के, यानी एक रेंज दे दी आपको तभी, क्योंकि उस टेक्निकल ग्राउंड्स पे ये चार्ट सकेंगे। और इसी तरह से सन टीवी में भी क्या थकान देख रहे हैं आप? सन टीवी में थकान तो नहीं है, लेकिन सन टीवी के अंदर बढ़त जो है वो नीचे से काफ़ी ज़्यादा आ चुका है, ये 220-225 रुपये के भाव से 490 रुपये, ऑलमोस्ट डबल हो चुका है ये स्टॉक पिछले 6 महीने में, ठीक है। तो हमारा मानना ये है कि इसको थोड़ा करेक्शन पे लेना चाहिए।
अभी 2-3 वीक पहले इसमें थोड़ा करेक्शन आया था और वो करेक्शन 400 रुपये के भाव तक था, लेकिन वो करेक्शन हम जैसा चार्ट देख पा रहे हैं हमारे हिसाब से काफ़ी नहीं है। अगर वो करेक्शन इनको किसी भी वजह से ये स्टॉक 370 रुपये के आसपास मिलता है, ठीक है, तो हमारा मानना है इसको 370 रुपये के आसपास एक बार लिया जा सकता है, और वहाँ पर अगर इनका होराइजन 3 से 6 महीने का है तो एक बार इनको 330 रुपये के आसपास, 340 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, 370 रुपये लेके। ठीक है, और अगर ये स्टॉक यहाँ से थोड़ा और ऊपर जाने की कोशिश करता है तो इसको वेट करना चाहिए जब तक ये नीचे की अगर ये यहाँ से ऊपर भी जाता है, मान लीजिए जैसे आप चार्ट देख पा रहे हैं, यहाँ से अगर ये ऊपर भी गया, जी यहाँ से अगर ये ऊपर भी गया तो यहाँ से ये 400, अभी ये स्टॉक का रेट 440-45 है, तो 470-75 के आसपास काफ़ी रेजिस्टेंस एरिया है इसका, ठीक है, तो हमें नहीं लगता यहाँ इसको लेना चाहिए। लेने का जोन एक्चुअली 400 से 370 के बीच में है, कहीं पर भी आपको लगे कि वहाँ ये स्टॉक आ गया है एक बार दोबारा राय ले लीजिए, ठीक है, और उसके बाद वहाँ इन्वेस्ट कीजिए और 330 से 340 का एक स्टॉप लॉस लगाइए। चलिए, कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? जी दोनों स्टॉक मेरे पास नहीं है। चलिए, तो यानी राय साफ होगी। लेवल्स आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि लेवल जो आपको रिकमेंड किया है सन टीवी नेटवर्क के लिए, अगर आप खरीदारी करते हैं तो प्लीज इन लेवल्स का ध्यान जरूर रखें। उम्मीद है कुलवंत जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, और इसी के साथ शो को आज फिलहाल यहीं समेटते हैं, लेकिन व्यूवर्स को जाते आते याद दिला दे bazaarshastra@znetwork.com हमारा ईमेल एड्रेस है अगर आप उनसे जुड़ना चाहते हैं। और इसी के साथ दीजिए इजाजत, नमस्कार। 99% श्योर, इनफैक्ट इंट्राडे टिप्स के लिए भी वो बोलते हैं, हाँ। ये नहीं बोलते कि पोजिशनल, वो कहते हैं आज ही अगर आप सौदा लेते हैं तो आज ही 100% रिटर्न आपको मिल कर जाएगा। हाँ, वो इजी मनी चाहते हैं, चमत्कार जिसको कहते हैं ना, चमत्कार चाहते हैं।